भाई स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए कि हर समय या हमेशा आसान रास्ता सही नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक चिड़िया बहुत ही खुश होकर एक पेड़ पर बैठकर गुनगुना रही थी। वहाँ से ही एक किसान एक संदूक में कीड़े भरकर निकला। चिड़िया ने उससे पूछा किसान से कि आप कहाँ जा रहे हैं और इस संदूक में क्या है। किसान ने कहा कि मैं पंख खरीदने के लिए जा रहा हूँ और ये जो कीड़े हैं इसके बदले में पंख के बदले में उनको दे दूंगा बाज़ार में और कीड़े जो पंख है वो मैं ले आऊँगा। तब उस चिड़िया ने कहा कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना मैं आपको एक पंख देती हूँ और तुम मुझे कीड़े दे दो। उसने अपना एक पंख उसको दे दिया और वो कीड़े देकर उसको चला गया। और ये सिलसिला प्रतिदिन का हो गया शुरू। पर डे वो उसे कीड़ा दे देता और वो उसे एक पंख दे देती, वो कीड़ा दे देता और चिड़िया उसको पंख दे देती। और एक दिन ऐसा भी आया जब चिड़िया के पास में कोई भी पंख नहीं बचा। फिर उसके बाद किसान कीड़ा लेके आया मगर चिड़िया के पास तो देने के लिए पंख था ही नहीं और किसान बाजार के लिए चला गया। और इस वजह से क्योंकि उसने सारे पंख उसको दे दिए थे, अब वो उड़ भी नहीं सकती थी और दिखने में भी बहुत भद्दी लगती थी, इस वजह से वो परेशान रहने लगी और एक समय के बाद में मर गई। तो हमें यहाँ पर रुककर ये बात सोचनी है कि हमने भी ज़िंदगी में क्या कोई शॉर्ट रास्ता तो नहीं अपना लिया है। अगर हम ज़िंदगी में शॉर्ट रास्ता अपना लेते हैं, कुछ गलत तरह से काम करके अर्निंग्स करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हो सकता है अभी हमारे लिए वो अच्छा हो मगर लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होने वाला है। तो इसलिए इस पर ज़रूर विचार करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।